हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थर्ड विधि ब्लॉग्स। तो फ्रेंड, ये हम लोग जा रहे हैं हमारे पाटन के मार्केट में रात को। तो खाना खाने के बाद सोचे चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। तो ये हम दोनों निकले हुए थे आइसक्रीम खाने के लिए, और आइसक्रीम खाया और देख रहे थे कि पानीपुरी का कहीं पे ठेला मिल जाए तो पानीपुरी भी खाना था। बट अमरपाटन का मार्केट बहुत जल्दी बंद हो जाता है, 7 बजे के बाद तो सब मैक्सिमम मार्केट यहाँ का बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ के पर ये आसपास एक ही मार्केट है अमरपाटन का। तो लोकल मतलब सभी गांव के लोग यहाँ पे आते हैं, लोकल जितने भी हैं यहाँ के आसपास के। तो ये मार्केट सिर्फ गाँव के भरोसे चलता है गाइस, सच्ची बताते हुए। अमरपाटन शहर इतना बड़ा नहीं है, पर गाँव के लोग दिन में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि क्या बताए। और सोचिए, ये हम लोग 9 बजे करीब जा रहे थे तो पूरा मार्केट बंद हो चुका था पानीपुरी के। जिस भी ठेले में गए पानीपुरी ख़त्म हो चुका था, बट आइसक्रीम मिल चुकी थी। तो वही आइसक्रीम खाते हुए हम लोग सोचे चलो अमरपाटन का मार्केट घूम लेते हैं। और अमरपाटन में मैंने बचपन बिताया है अपना, पढ़ाई मेरा, ग्रेजुएशन मेरा यहीं पर कम्प्लीट हुआ है। तो मुझे ऑलरेडी मार्केट अच्छा लगता है, यहाँ का मार्केट भी अच्छा लगता है और अमरपाटन मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मैं बताया ना कि मेरे सारे फ्रेंड सर्कल, मेरे फैमिली रिश्तेदार सब लोग यहाँ रहते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ इनके यहाँ भी आए थे पानीपुरी में खाने के लिए, लास्ट में तो इनके यहाँ भी पानीपुरी नहीं था। फिर हम लोग बोले चलो कोई बात नहीं, आइसक्रीम खा लिए बस बहुत हो गया, अब हम लोग चलते हैं, यही था। तो यहाँ पे ऐसे घूमते हुए जा रहे थे, पर ये बस 9 बजे के करीब बस आसपास के लोग हैं, ज़्यादा मतलब पाटन के लोग इतना नहीं है यहाँ पे, और बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं। गाँव के मेन या ये मार्केट गांव के लोगों की वजह से चलता है, और इतनी भीड़ होती है दिन में, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और जैसे कोई तीज त्यौहार आया, अभी जैसे वर्षावृत्ति का आएगा दिन, इतनी भीड़ रहेगी पैर रखने की जगह नहीं होगी गाइस। और देखिए 9 बजे के करीब ही यहाँ पूरा सन्नाटा ऐसे हो गया है। और बाकी जैसे नागपुर में है तो 9, 10, 11 बजे आम बात है, बहुत अच्छा मार्केट चलता है, बट यहाँ का देखिए पूरा मार्केट सुनसान हो चुका है। तो ऐसे हम लोग घूमते हुए अब घूम रहे थे ऐसे कि देखते हैं क्या क्या ओपन रहता है, क्योंकि रात को तो मार्केट में यहाँ का अमरपाटन में इतनी बड़ी होगी कभी नहीं घूमी। 6 बजे के बाद हम लोग मार्केट से घर चले ही जाते थे, और ज़्यादा दूर नहीं था यहाँ से घर हम लोग का। तो हम लोग का मतलब हम लोग यहीं पे पढ़ाई वढ़ाई की है पूरा, तो चले ही जाते थे। 6 बजे के बाद हम लोग घूमते नहीं थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो ये है अमरपाटन का मार्केट, और शायद मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम अमरपाटन का मार्केट मतलब नाइट में घूम रही हूँ। ऐसे घूमती हूँ पर नाइट में फर्स्ट टाइम ऐसे घूम रही हूँ। रात में बंद हो रहा है मार्केट, सारा मार्केट देखिए पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड यही था कि मैं चलो आज आप लोग को यहाँ का अपने लोकल मार्केट का व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ क्या कैसा है। और फ्रेंड यहाँ पे हर एक छोटी चीज़ मिल जाती है, और सबसे मेन क्या है ना कि यहाँ ज़्यादा महंगा सामान नहीं मिलता है, सब कुछ मिल जाता है बट ज़्यादा महंगा भी नहीं रहता, कॉस्टली नहीं रहता है। तो यही है मेरे अमरपाटन, मेरा अमरपाटन, क्योंकि पता नहीं फ्रेंड कैसे ऐसे लगता है, हमेशा फीलिंग आती है कि मेरा अमरपाटन, क्योंकि मैं यहाँ पे 9th से लेके ग्रेजुएशन तक पूरा कंप्लीट करी अपनी पढ़ाई, तो इसी वजह से। और शायद मेरे फ्रेंड सब बाहर चले गए हैं पढ़ाई करके, और शादी वादी सबकी हो गई लड़कियों की, जितनी भी मेरी फ्रेंड थी ग्रुप में, तो पर तब भी ऐसा लगता है कि ये मेरा है मेरा है। तो गाइस देखिए कितना सुनसान हो गया, स्ट्रीट लाइट भी इतना लाइटिंग नहीं रहता यहाँ पे, जैसे नागपुर में बहुत ज़्यादा लाइटिंग रहती है, ऐसे इतना यहाँ पे लाइटिंग उटिंग नहीं रहती, सब अपना अपना दुकान बंद करने के कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड ऐसे दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत नागपुर का, सॉरी फ्रेंड मुझे नागपुर का ही हमेशा आता है क्योंकि मैं अभी नागपुर में रहती हूँ ना। तो अमरपाटन का पूरा नज़ारा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड आप लोग को कैसा लगा हमारा टाउन, हमारा टाउन, हमारा कस्बा, हमारी बोलते ना जहाँ हमारा बचपन भी था, जन्मभूमि नहीं बोल सकते, जन्मभूमि तो मेरे माई का गाँव में है तो उसको नहीं बोल सकते, पर ये अपना कस्बा हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं कि जहाँ पे हमने बहुत सारी यादें गुजारी है। तो बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा अमरपाटन शहर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Oh, 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 oh
फ्रेंड नेक्स्ट डे का वीडियो है और यहाँ पे सब्जी मार्केट लगता है, तो सोचे कि गांव आ जाएंगे। दो दिन हो गया था यहाँ, तीन दिन मैंने गुजारा है हमारे पटन में और तीसरे दिन शाम को ही निकलना, पर मॉर्निंग में यहाँ पे सब्जी मार्केट लगता है, सुबह से लगता है और 9 बजे के करीब बंद हो जाता है, 9-10 बजे। तो फ्रेंड ये है हमारे पटन का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत अच्छा है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए ये लोग यहीं पर आते हैं, फिर यहाँ से रेफ़र किया जाता है जहाँ यहाँ आसपास के लोग हैं डिलीवरी कुछ भी के लिए। क्योंकि मैं खुद आई थी, मेरे बेटे की जब मेरा डिलीवरी का टाइम था तो मैं फर्स्ट यहाँ पे आई थी, फिर इसके बाद यहाँ से मुझे रेफ़र सतना के लिए किया गया था। तो ये देखिए सिविल अस्पताल है ये यहाँ का अमरपाटन का, और ठीक है सारी फैसिलिटी, जैसा देखिए गवर्नमेंट का जैसा चलता है ठीक है, सारी फैसिलिटी है और काम भी ठीक ठाक होता है। देखिए छोटा हॉस्पिटल है तो काम भी ठीक ठाक हो जाता है। और तो ये देखिए इसके मतलब इस हॉस्पिटल के पीछे ही सब्जी मार्केट लगता है, तो मैं सोची चलो थोड़ा वो सब्जी ले लेती हूँ, शाम को जाना ही है। तो यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी मार्केट अमरपाटन का, और ये ज़्यादा टाइम तक नहीं लगती। इसके बाद यहाँ से सब लोग मतलब थोक में लेके, इसके बाद फिर लगता है ऐसा सब्जी मार्केट, मतलब मेन जो गांव से सब्जी आती है यहाँ पे लेते हैं, इसके बाद ठेले में अपना शॉप में जो लगाते हैं बाकी लगाते रहते हैं। तो मैं लेट हो चुकी थी, मैं 9 बजे के करीब ही आई थी गाइस, तो ये सामान सब कुछ ये पैक कर हो रहा था क्योंकि बहुत जल्दी सब्जी मार्केट ये बंद हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूछा, थोड़ा बहुत सामान लिया सब्जी का, और लौटते टाइम में ना गाइस इतना थैला हो जाता है कि भी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो पहले ही मैं आपको यहाँ का दिखा रही हूँ कि देखो सब पैक हो चुका, थोड़ा बहुत बचा हुआ है मार्केट में। तो चलिए मैं यहाँ पे अब सब्जियाँ खरीदूँगी, फिर इसके बाद शाम को हमको जाना है घर। तो देखिए यहाँ अमरपाटन का सब्ज़ी मार्केट, और देखिए अमरपाटन से मैंने सब्जी मार्केट सब्ज़ी लेने के बाद ये देखिए मैं यहाँ से अब घर जा रही थी, तो यहाँ पे ये बोर्ड था तो मैं दिखा देती हूँ कि सच में मैं अमरपाटन में ही हूँ, और ये मेरा है आई लव अमरपाटन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप देख भी सकते हैं गाइस। चलिए फिर चलते हैं घर के, और धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है इस टाइम पे, ठंडी भी इतनी होती है हमारे इधर और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए और कॉलेज ओपन रहता है, बाकी तो स्कूल बंद है, अभी कॉलेज चल रहे हैं यहाँ पे, कॉलेज भी है। और तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर, और इसके बाद फिर मैं डायरेक्ट शाम का वीडियो शूट कर रही हूँ कि घर जा रही हूँ, और इतनी गर्मी है पसीना से टप टप हो रहा था, तो ये मैं बस में बैठा के जा रही हूँ। तो फ्रेंड हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।